तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इसको आपने जो है डिवीजन मेथड से करना है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखने के बाद डिवाइड का साइन और इसके पेयर्स जरूर बनाने हैं। पेयर हमेशा जो है, अगर क्वेश्चन में पॉइंट नहीं है तो राइट साइड से पहले आप बनाना शुरू करेंगे। टू टू नंबर्स का इस तरह पेयर बनाते हैं। लास्ट में अगर एक डिजिट हो या दो डिजिट, उसी से आपने डिवाइड करना शुरू करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास लास्ट डिजिट जो है वो वन है, तो वन हम इसमें जो टेबल है वो सिर्फ और सिर्फ वन मल्टीप्लाई वन पढ़ सकते हैं। वन वन जा वन, टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, इस तरह का स्टार्ट में हम जो है वो टेबल पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो है वन वन जा वन पहले हमारे पास आ चुका है और इसके बाद माइनस करेंगे इसको, जीरो बचेगा। अब लास्ट में जिस नंबर से हमने डिवाइड किया होगा आखिरी डिजिट, उसको आपने डबल कर दिया करना है। तो अब ये देखें, वन में वन प्लस किया तो ये बन जाएगा हमारे पास टू। अब इसमें से पूरा पेयर ही आप नीचे लेकर आएंगे 36। अब जो ये टू आया है इसको भी फिर हम बार बार पहले वन से चेक करेंगे, फिर टू से, फिर इस तरह आगे नंबर बढ़ाते जाएंगे। पहले वन से चेक करते हैं, 21 वन सा 21। अब 21 टू से हम करके देखते हैं, टू टू सा फोर, टू टू सा फोर, 44 इससे बड़ा आ चुका है, तो इसलिए फिर हम वन दोबारा से यूज करेंगे। वन ही यहाँ पे राइट करेंगे और वन ही यहाँ पे राइट करेंगे, तो 21 यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस किया सिक्स में से वन, माइनस किया फाइव, और इसके बाद जो है थ्री में से टू माइनस किया वन, और लास्ट वाला पेयर जो है ये हम नीचे ले आएंगे 89। अब हमने, मैंने बताया था लास्ट डिजिट ही इसमें प्लस करना होता है, तो वन इसमें प्लस किया लास्ट डिजिट में, तो ये आ गया हमारे पास है टू टू। अब 22 को हमने देखना है कि किस से जो है वो मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1589 आ जाए। 22 को जो है हम पहले 3 से करके देख लेते हैं। 3 3 सा 9, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6, 669 काफी कम नंबर है। तो अब हम जो है 22 को जो है 7 से करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये आ जाता है नंबर या नहीं। 7 से करके देखना है, ये वाला नंबर फिक्स रहेगा 22। आपने यहाँ पे नंबर चेंज करके देखना है, कभी 1 कभी 2 कभी 3, इस तरह से। तो 7 से करते हैं, 7 7 सा 49, उसके बाद 7 2 सा 14, 14 और 4 18, फिर 1 हमारे पास कैरी हो चुका है, 7 2 सा 14, 14 और 1 15। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास पूरा नंबर आ चुका है 7 से डिवाइड करने पर। 7 इधर लिखेंगे, 15 89, फिर माइनस करेंगे और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जीरो आ जाएगा, या क्रॉस लगा दें या जीरो लगा दें। अब इसके बाद आपने यहाँ पे इसका आंसर इस फॉर्म में लिखना है, 13689 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 117। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने जो है एक्सरसाइज 2.3 को मुकम्मल तौर पर होमवर्क के तौर कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।